हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ब्लैक बुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नीट में कुल 10 यूनिट हैं, जिसमें 5 11th की और 5 12th की, और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कभी कभी 11th या 12th या ज़्यादातर नीट में पूछा जाता है, जो कि पूरा NCERT बेस्ड है और NCERT बेस्ड ही हमें पढ़ना भी है। अगर हम लोग स्टैनली कोहेन और बोयर की बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। अगर हम लोग हर्बर्ट बोयर की बात करें तो इनका जन्म 1936 में हुआ था। अगर 1969 की बात करें तो फिर यहाँ पे हर्बर्ट बोयर ने कुछ स्टडीज़ की थी, जिसकी वजह से उन्हें एक एंजाइम के बारे में पता चला था, जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि इकोलाई बैक्टीरिया से निकला था। और ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। जब बोयर ने इसे इसके बारे में देखा तो इस एंजाइम के बारे में उन्होंने ये पता लगाया कि इसके अंदर एक क्षमता है, इसके अंदर एक क्षमता है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर फैशन में काट सकता है, और जो इसका बचा काटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे वो जो एंड होता है बचा हुआ, उसे कहते हैं स्टिकी एंड। दूसरी तरफ अगर हम लोग स्टैनली कोहेन की बात करें तो इन्होंने एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर डीएनए का पता लगाया था, जिसका नाम था प्लास्मिड। और ये जो प्लास्मिड है, ये पैसिवली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर इस प्लास्मिड पाया जाता है और ये इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। कोहेन ने कुछ मेथड डेवलप किए जिसकी मदद से इस इन प्लास्मिड को सेल से निकाला जा सकता था और वापस से दूसरे सेल उसके अंदर डाला जा सकता था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।